एबीपीएस न्यूज सच का साथी। यूपी के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा रामपुर पहुंचे और उन्होंने पाल समाज के कार्यक्रम में भाग लिया और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। अधिकारियों को कुछ गुरु मंत्र दिए तो कुछ को नसीहत भी दी। उसके बाद उन्होंने प्रेस वार्ता का आयोजन किया जिसमें उन्होंने विरोधियों पर निशाना साधा। 2019 में महागठबंधन को लेकर जब उनसे बात की गई तब उन्होंने कहा कि महागठबंधन तो भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है, लेकिन भाजपा को उनसे नहीं महागठबंधन को अपने सहयोगियों से एक दूसरे से खतरा है, ये बड़ी बात है। और उसको उन्होंने किनारा करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने सारे वो काम किए हैं जो उन्होंने अपने शपथ पत्र में दिए थे। भाजपा ने जो वादे किए थे वो सारे अब तक पूरे हो चुके हैं। दिनेश शर्मा ने कहा कि देश में जो ग्रोथ का रेट बढ़ा है, हम आर्थिक सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं और बड़े हैं तो कांग्रेस के नेता जो गर्क में उन लोगों ने भारतवर्ष को डाल दिया था। भारतवर्ष को और भी जितने विजय माल्या के साथ साथ नीरज मोदी दिख रहे हैं उन सबको चौकसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी पूरे निशाने पर रख रही है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो देश के साथ गद्दारी कर रहा है वो अब बच नहीं पाएगा। प्रवीण तोगड़िया पर दिए बयान पर उन्होंने कहा कि मोदी जी मंदिर छोड़कर मस्जिद जा रहे हैं। इस पर प्रवीण तोगड़िया के लिए दिए बयान 2019 के चुनाव को लेकर मोदी जी मंदिर छोड़कर मस्जिद जा रहे हैं, इस पर दिनेश शर्मा ने कहा कि मैं किसी भी बात पर कोई टिप्पणी नहीं करता हूं और मोदी जी ने कहा है कि सबका साथ सबका विकास। चंद्रशेखर रावण ने भाजपा को चुनौती दी है। दिनेश शर्मा ने कहा कि भाजपा राम को मानने वाली है और रावण तो हमेशा ही भाजपा के साथ साथ पूरे धर्म का दुश्मन रहा है। ऐसे लोग देश से और भाजपा से दूर ही रहें तो ज्यादा बढ़िया है। भारत नहीं, भारत के बाहर भी ऐसे लोग मिल जाते हैं। अमेरिका चाहता है कि मोदी जी ना आए, चीन चाहता है कि मोदी जी ना आए, कांग्रेस चाहता है कि मोदी जी ना आए, सपा चाहती है कि मोदी जी ना आए। इस बात से भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बीजेपी राम को मानने वाली है, रावण का तो हमेशा पराजय हुआ ना। मैं जो आप नाम ले रहे मैं बहुत ज्यादा वाकिफ नहीं हूँ। ऐसे तो तमाम लोग हैं जो बीजेपी से विरोध रखते हैं, वो भारत में नहीं भारत के बाहर भी रखते हैं। अमेरिका चाहता है मोदी जी ना आए, चीन चाहता ना आए, पाकिस्तान चाहता ना आए, कांग्रेस चाहता ना आए, सपा चाहती ना आए, बसपा चाहती ना आए, अब आप कुछ और नाम ले रहे हैं। तो चाहने वालों की संख्या ज्यादा है ना चाहने वालों की, इनको ये नहीं पता है। मोदी जी को चाहने वाले और योगी को चाहने वाले उत्तर प्रदेश और प्रदेश में बहुत ज्यादा है। और ऐसे लोगों की चिंता जब प्रधानमंत्री ने अमेरिका ऐसे को चुनौती दी, चीन ऐसे को चुनौती दी है जो नहीं चाहते उनको, उनके चाहने से क्या वो हट गए और बड़े बहुमत से जीतेंगे। और उत्तर प्रदेश में 73 नहीं, योगी जी के नेतृत्व में 74+ का लक्ष्य उसको पाएंगे। तो बढ़िया जी ने कहा है कि 2019 के चुनाव के लिए मोदी जी मुसलमानों को लुभाने के लिए मंदिर छोड़ मस्जिद में जा रहे हैं, किसने क्या कहा ये नहीं मुझे पता सर, रामपुर ना मैं किसी पर टिप्पणी करता सर, रामपुर के मुझे इतना पता है कि मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास कहा है और किसी जाति और धर्म को कभी बीजेपी ने अलग नहीं किया। लोग बीजेपी को मुकाबला करने के लिए जाति और धर्म को अलग पूरी कर लिया, पूरे देश में पूरा जो हमारा जो ग्रोथ रेट है वो जिस प्रकार से बढ़ा है और जिस प्रकार से आर्थिक सफलता की ओर हम बढ़े हैं। कांग्रेस ने तो गर्त में डाल दिया था भारतवर्ष को। ये जितने माल्या दिख रहे हैं, जितने मोदी दिख रहे हैं, नीरव मोदी और कौन कौन नाम, मेहुल चौकसी और क्या क्या नाम नए आ रहे हैं, ये नाम ये इजाद और इनका जन्म 2008 से प्रारंभ हुआ। और मैं समझता हूँ इतने जो बैंक में बगैर सिक्योरिटी के लोन दिए गए उनकी वजह से आर्थिक व्यवस्था जर्जर हुई जिसको मोदी जी बदल। एबीपीएस न्यूज सच का साथी।